आपसे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूँ विजयगाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूँगा, कुछ मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आई हैं जिसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा और आज आपको मैं बताऊँगा। अगर आप भी फॉरेन में काम करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं वीडियो आपके बनाया है मैंने और कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम का है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं चैनल पर वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। इसका रीजन यह था कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी था, लेकिन इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो चैनल पे आएगा और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा वो अपडेट मैं दूंगा। बाकी बीच बीच में मैं वीडियो भले ही नहीं डालता था लेकिन अपडेट जो था वो देता रहता था। तो आज मैं आपको बताऊँगा कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है, आप लोग के लिए है। आप लोग चाहें तो जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं और अगर आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाता है तो आपको इस कंपनी में काम मिल भी जाएगा और सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। तो बात करते हैं अफ्रीका। पहली सी बात यह है कि जो अफ्रीका जाना चाहते हैं, अफ्रीका जाने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि अफ्रीका बहुत कम लोग हैं जो काम करने के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में काम नहीं है, अफ्रीका में काम है, लेकिन लाइफ स्टाइल जो है यूरोप में और थोड़ा सा गल्फ में अफ्रीका से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लोग काफ़ी कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो अलग की बात है, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मुझे अपनी सीवी ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है bijagaid0@gmail.com। तो बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। अफ्रीका में एक देश है सेनेगल, जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, और यहाँ पे एक वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस में काम है, काम क्या है इसमें, कई काम है, मशीन ऑपरेटर का काम है, उसके बाद उसमें शिपिंग जो मटेरियल होता है उस शिपिंग शिपर का काम है, उसके बाद पैकिंग का काम है। तो अभी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वो दो मशीन ऑपरेटर का और उसके साथ दो शिपिंग स्टाफ का और दो पैकिंग स्टाफ का मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है। और एक अपॉर्चुनिटी है डिस्पैच में। डिस्पैच का काम होता है जो मटेरियल को प्रोडक्ट्स को इधर से उधर करते हैं, और एक रिक्वायरमेंट है कंटेनर लोडर अनलोडर का। इसके लिए फॉर्कलिफ्ट लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल हो, अगर आप मशीन चला सकते हैं, आपके पास मशीन चलाने का स्किल है, अगर आपके पास शिपिंग का स्किल है, अगर आपके पास पैकिंग का अच्छा खासा स्किल है, अगर आपको फॉर्कलिफ्ट आता है, आप ट्रकों पर लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में सबको पता ही है कि सैलरी का रेट क्या है, और जो इंटरनेशनल कंपनियां जो भी हैं वो भी जो रेट देते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं देते हैं। तो जो भी सैलरी अगर लोकल कंपनी की बात किया जाए तो सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन ये जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है और ये फ्रांस की कंपनी है, तो इस कंपनी में अगर अप्लीकेशन करता हो तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के हिसाब से वहाँ पर सैलरी ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 2.5 लाख सीफा 3 लाख सीफा के आसपास है। मतलब अगर इंडिया में इंडियन करेंसी में कैलकुलेट किया जाए तो मान के चलिए कि जो सैलरी है वो आपका 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का है। इसमें जो सैलरी है वो आपका 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का है, लेकिन जो आवर है वो काफ़ी कम है। आपको जो काम है वो 8.5 घंटा ही करना है, 8 आवर्स की जॉब है, 8 घंटे आपको काम करना है, तो आवर काफ़ी कम है। सैलरी ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अफ्रीका में सैलरी का जो सिस्टम है वो काफ़ी कम है, सैलरी काफ़ी कम मिलता है लोगों को। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी सीवी आप डाल सकते हैं। मेरा ईमेल है bijagaid0@gmail.com। लेकिन सीवी का मतलब ये नहीं है कि आपने सीवी बनाया कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपने मुझे भेज दिया। सीवी का मतलब होता है प्रोफेशनल सीवी। अगर आपके पास प्रोफेशनल सीवी है, क्योंकि ये कंपनी है, काफ़ी लोगों ने मुझे सीवी भेजा, लेकिन सीवी सेलेक्ट कैसे होता है? अगर आपका सीवी प्रोफेशनल है, अगर आपकी सीवी बढ़िया है, उसमें अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, हर चीज़ आपने उसमें अच्छे से मेनटेन किया है, एक होता है सीवी, एक होता है प्रोफेशनल सीवी। तो अगर आपके पास ऐसे आप कॉपी पेस्ट मार के मुझे दे दोगे तो वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल सीवी है तो ही आपको चलेगा। मतलब प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपने जो जो काम किया है, आपका जो जो एक्सपीरियंस है, वो अगर आपके पास अगर आप वो ऐड करते हो तो आपके
आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसे ही सीवी बना के भेज देंगे, आपके अंदर स्किल कोई नहीं, आप फ्रेशर हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात ये कि अगर आप अफ्रीका से हैं, अगर आप अफ्रीका से हैं और आपके पास अफ्रीका में आपने काम किया है, अफ्रीका में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कि आप अरब देशों में काम किए हैं इसी फील्ड में, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आपने अफ्रीका में काम किया है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है, किसी और देश में आपने काम किया तो अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है। अफ्रीका वालों के लिए ज़्यादा प्रिविलेज है, ज़्यादा अफ्रीका में जो इंडियंस काम करते हैं या फिर बाकी जो नेपाली हैं या फिर और कंट्री के लोग हैं वो काम करते हैं, उनके पास ज़्यादा यहाँ पे उनको जॉब मिलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फ्रेंच आता है तो आपको जॉब मिलने की गारंटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सेनेगल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है और यहाँ पे इंग्लिश भी लोग बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं। हालाँकि लैंग्वेज का ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच आता है तो हर कंपनी में सिलेक्शन तभी होता है जब आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल हो। जैसे कि आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज आपको आता है, आप अफ्रीका में काम किए हो किसी देश में, या आप अरब देशों में काम किए, किसी और देशों में काम किए, तो एक आपका एक्स्ट्रा स्किल होगा, एक एक्स्ट्रा आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको जल्दी जॉब मिलेगा, आप जो सीवी है वो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सेनेगल में काम करना तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है visa@gmail.com, इस पे आप ईमेल करिएगा। ईमेल के साथ साथ आप सीवी तो ईमेल करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको कवर लेटर भी ईमेल करना है। कवर लेटर आप बनाइए अच्छा सा, और उसके साथ साथ आप सीवी बनाइए अच्छा सा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट है वो है 25 नवंबर, तो कोई आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फ्री हो, आप जब आपके पास काफ़ी खाली समय हो, आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप मुझे ईमेल करिए। मैंने काफ़ी लोग की हेल्प किया है बाहर काम करने के लिए, लेकिन मैं कोई फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, जो रियल है, जो रियल काम आता है मेरे पास, रियल जॉब की अपॉर्चुनिटी आता है, वही मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं केवल रियल ही डालता हूँ, और जो सच्ची जो सही जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आता है मैं उसको ही अपडेट करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी दिनों से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आया था, उससे पहले कीनिया का आया, कुवैत का आया, वो सब मैंने अपडेट किया, और फिलहाल जो मेरे पास अपडेट है वो सेनेगल का है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सेनेगल जाने के लिए, सेनेगल में काम करने के लिए, तो आप मुझे सीवी, अपनी अपडेट सीवी मुझे आप दे सकते हैं, और सीवी आप बनाइएगा, प्रोफेशनल सीवी बनाइएगा। उस सीवी के अंदर आपको आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको मेंटेन करना है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वर्क का, तो बहुत ही मैटर करता है, आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे कि आपको कंप्यूटर आता है, और कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, एक्सेल और टैली, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर आपको आपके अंदर स्किल है तो उसका आपके पास अलग बेनिफिट है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है आपके पास, जैसे कि फॉर्कलिफ्ट, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कंपनियों में, साथ ही साथ जो फॉर्कलिफ्ट चलाते हैं थोड़ा सा मेहनत का काम तो होता है, क्योंकि फॉर्कलिफ्ट चलाना कोई आसान काम नहीं है। बस आप YouTube में देखते हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी ईजी वर्क है, लेकिन ईजी वर्क नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क है, इसलिए सैलरी भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको आता है फॉर्कलिफ्ट मशीन चलाना, तो आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, वर्क वीज़ा आपको काफ़ी ईजिली मिलेगा। तीसरी जो बात ये है कि अगर आपके पास स्किल है, स्किल का मतलब ये है कि अगर आपने अफ्रीका में काम किया है, किसी भी देश में आपने काम किया है, आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास आपको फ्रेंच आता है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगा किसी और देश का, तो मैं इस पर अपडेट करूँगा और डालता रहूँगा। तो अगर आपके पास स्किल है, सबसे ज़रूरी है स्किल, और अगर आपके पास स्किल है तो आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा, वर्क वीज़ा आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको केवल जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है, आपको सीवी और आपको कवर लेटर आपको सेंड करना है। तो सीवी सेंड करिएगा, कवर लेटर सेंड करिएगा। कवर लेटर का मतलब होता है कि उसमें सब कुछ आपको मेंटेन करना है, कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ कहाँ काम किया, एक्सपीरियंस क्या क्या है, और आपके पास कौन कौन से टिकट हैं। टिकट का मतलब यह है कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने फॉर्कलिफ्ट किया है, या फिर आपको इलेक्ट्रिशियन काम आता है, या फिर जो भी स्किल्स आपके हैं वो आपके लिए बेनिफिट
ही आपको मिलेगा और जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा जो चैनल है इस पर वीडियो मेरा जो चैनल है इस पर मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और CV आप ईमेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सामने आपको दिख रहा होगा visa@gmail.com, इस पर आप मुझे अपनी CV ईमेल कर सकते हैं।